आज आ, ये जो एक खबर मेरे सामने है खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम के बयान के हवाले से आई डोंट इवन वॉन्ट टू डिस्कस इट आई डोंट ईवन वॉन्ट टू हेयर अबाउट इट मैं सुनना भी नहीं चाहती क्योंकि जो तफसीत शर्मनाक सुन ली, उसके बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे मवाद से भी दूर रहना चाहिए जो इस कदर कीचड़ उछाले किसी के ऊपर भी चाहे वो कोई भी हो और हम बात करते थे सियासत को ड्राइंग रूम्स से निकालने की कि ये अंदर बैठ के फ़ैसले करने बंद करें अंदर बैठ के सियासत करनी बंद करें बाहर आएँ लोगों में आए कनेक्ट करें मेरा स्पेसिफ़िकली यही स्टांस रहता था ज़्यादातर लेकिन अभी पता चला है कि वो ड्राइंग रूम से तो बाहर आई नहीं सियासत अलबत् चादर और चार दीवारी को ज़रूर उसने पामाल कर दिया लोगों के घरों तक पहुँच गई है और मुझे नहीं मालूम कि मानिका साहब की जो साहबजादियाँ हैं अब वो माशरे में किस तरीके से जियेंगी जो हमारे लोगों का जजमेंटल होना है वी ऑल नो दैट सोशल फैब्रिक का पहले ही जो हाल है वो हम सब जानते हैं वैल्यू सिस्टम हम शिकायत करते हैं बड़ा डिस्टोर्ट हो गया है तलाकें बहुत हो रही हैं नौजवान नस्ल घर नहीं बसाना चाहती बेशुमार ऐसी बातें शिकायतें हम सुनते रहते हैं लेकिन जब आपकी सियासत महवर हो इस सब गलाजत का तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं मैं सियासतदानों से मुखातिब हूँ कि फिर आप ही ज़िम्मेदार हैं को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कि आज खबरों में भी हमें वही मवाद पढ़ने को मिल रहा है जिसको हम पहले तौर पे अपनी नज़रों से अपनी दस्तरस से दूर रखते थे आ, मैं उस फैमिली की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकती आ, जिस फैमिली के एक मेंबर ने अपनी एक्स वाइफ के ऊपर जो बातें कर छोड़ी हैं जो इल्ज़ाम लगा दिए हैं सियासत पावरग्रैब के लिए पावर पॉलिटिक्स के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं मेरे ख्याल है ये शायद तारीख़ ही इसका फैसला करेगी कि इससे ज्यादा गिरावट अल्लाह ना करे हमें देखने को मिले बिकॉज एवरी टाइम आई से दिस कि दिस इज़ अ न्यू लो और हम उम्मीद करते हैं हम इससे नीचे नहीं जाएंगे हम एक और मिसाल कायम कर छोड़ते हैं हम कहीं नहीं रोक रहे तो मैं इस पर इससे ज़्यादा मलिक साहब बात नहीं कर सकती ये जो हुआ है जितना कंडेम किया जाए कम है किसी की इज्जत को यूं सरे बाज़ार तार तार करना और उसके ऊपर टेलीविज़न स्क्रीन्स का नशर करना उसको किस तरफ जा रहे हैं हम देखिए सुनैर अगर आपको याद हो ये आपको जान जाना पड़ेगा मानिका के इंटरव्यू पे और मैंने दबे लफ्जों में आपको बता दिया था कि ये प्लान क्या प्लान एक्चुअली ये है कि लड़ाई अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल है और मैं बार बार एक बात आप कह रहा हूँ कि हमारा जिस तरह का मुल्क है जिस तरह का सिस्टम है जब आप रियासत से टकराएंगे तो रियासत आपको कानूनी तौर पे भी पकड़ेगी सियासी तौर पे भी पकड़ेगी करैक्टर पे भी पकड़ेगी इखलाकी तौर पे भी आप वीकनेस नहीं दे सकते तो मैंने आपसे एक बात छोटी सी उस दिन ये कही थी कि ये इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं है इसके पीछे पूरा प्लान है और आज बिल्कुल वो पत्ते खुल के सामने आएंगे वो क्या है वो ये था कि एक शख्स है उसका एक इमेज अच्छा बुरा ये हमारा काम तो नहीं हम तो यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं इमेज ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्स चेयरमैन है पीटीए के वो सादुक उमीन है फिर उन्होंने खुद इस चीज़ का क्लेम किया कि मैं रियात मदीना का एक दागी हूँ मेरे अंदर इस्लाम है हमने मुसलमान उनके हाथ में तस्वीर थी तो ये सारा जो प्लान है ना उस इखलाकी इमेज को तार तार करने का प्लान है मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं और कुछ कह सकता प्लान इस प्लान का जो इम्पैक्ट आएगा ये अब हम इससे एक स्टेप आगे ही जाएंगे ये तो हमेशा यही हुआ है ना आप एक लेवल जब क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद उससे आगे ही जाया जाता है चीज़ें रिवर्स तो नहीं होती तो मतलब क्या अब हमें पी जी सिक्सटीन पी जी एटीन जो है वो अपने न्यूज़ चैनल्स पे भी चलाना पड़ेगा कि खबरें देखते हुए भी मोहतात रहें देखिए मैं तो ना इस पर कोई बात नहीं करूँगा और मुझे नहीं पता कि इस वक्त स्क्रीन पर कितनी हमारी बेटियाँ कितनी हमारी बहनें कितने हमारे बच्चे जो हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मुझ में तो अभी गैरत बाकी है मैं तो ये रिस्क नहीं लूँगा कि मैं एक ऐसी बात एक ऐसी चीज़ जो किसी तरह की के इलाक के मेयार पे पूरी नहीं उतरती मैं उसको डिस्कस करूँ तो बेहतर है कि आप मेरा मैं भी और आप भी और आप भी मलिक साहब हम यही चाहते हैं कि हम इस पर बात ना करें हमारी जबान इजाज़त नहीं दी बात तो कई दफ़ा इसलिए भी करनी पड़ती है कि निशानदही तो कर दें कि ये ठीक है गलत है। हो रहा है जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है बहरहाल अगर